नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एलिमेंट्स ऑफ रिटेल इमेज जिस तरीके से रिटेल इमेज की हमने बात की कि जो भी इमेज कस्टमर के जहन में एक रिटेलर का बनेगा वही सारी पिक्चर को वही सारी कस्टमर uh, के बिजनेस को ड्राइव करेगा तो सबसे पहले बात जो हमारे पास इन एलिमेंट्स की स्टडी के अंदर आते हैं वो रूल्स ऑफ थ्री सेकेंड है या रूल ऑफ थ्री सेकेंड है वह क्या है रूल अ शॉपर शुड बी एबल टू डिटर्मन क्या कर सके किसी स्टोर के बारे में उसका नाम उसका लाइन ऑफ ट्रेड उसका क्लेम टू फेम उसकी प्राइस पोजीशनिंग और उसकी पर्सनालिटी। अगर ये पांच बातें वो फर्स्ट थ्री सेकंड में आइडेंटिफाई नहीं कर सकता क्लियर नहीं कर सकता एक रिटेलर तो इसका मतलब ये है कि कस्टमर को उस स्टोर की पोजीशनिंग बिल्कुल भी क्लियर नहीं है फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ बाटा के हवाले से तो आ, या सर्विस के हवाले से या किसी और ब्रांड के हवाले से लट से बाटा की एग्जाम्पल हम पकड़ते हैं सो जैसे ही आपने बाटा को देखा उसके ब्रांड को देखा तो फ़ौर आपके सामने फर्स्ट थ्री सेकेंड्स के अंदर ये पाँचों सवालों का आंसर आना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल नेम नाम आपको क्लियर है कि ये बाटा है ऑफ कोर्स ये कोई दूसरा ब्रांड नहीं है तो आपको पता लग गया हाँ ये बाटा की डिस्कशन हो रही है फिर लाइन ऑफ ट्रेड जब भी आप बाटा का नाम देखेंगे आपको पता होगा कि ये किस बिजनेस के अंदर है अगर आपको फौरन ये रिकॉल हो जाता है कि यस ये शूज इंडस्ट्री के अंदर है जो शूज का बिजनेस करते हैं तो इसका मतलब ये है कि द रिटेलर इज एबल टू क्लियर द सेकेंड पॉइंट ऑल्सो तीसरा पॉइंट था क्लेम टू फेम किस बात को वो क्लेम करते हैं उनकी फेमस चीज क्या है जिसकी वजह से वो अपना फेम को क्लेम करते हैं फॉर एग्जाम्पल बाटा इज ऑलवेज बीन फेमस फॉर द स्कूल शूज अगर आपने स्कूल शूज बाय करने हैं तो इट इज़ अबाउट बाटा तो अगेन अगर ये क्लेम जो बाटा कर रहा है ये उस कस्टमर उस के जहन में आ गया है इसका मतलब है कि रिटेलर का ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो गया इसी तरीके से प्राइस पोजिशन अगर जैसे ही बाटा का नाम कस्टमर के जहन में आया है उसके जहन में फ़ौर प्राइस पोजिशनिंग आ जानी चाहिए कि ये एक हाई एंड शूज का स्टोर है ये एक मीडियम रेंज स्टोर है एक इकोनॉमिक स्टोर है इकोनॉमिकल बाइंग के लिए है एक लो लेवल की प्राइस लो प्राइस स्टोर है तो जो भी प्राइस की पोजीशनिंग है वो फॉरन कस्टमर के जहन में आ जानी चाहिए विद इन फर्स्ट थ्री सेकेंड्स अगर ऐसा नहीं होता इसका मतलब यह है कि रिटेलर ने अपने आप को अपने इमेज को अभी तक ठीक तरीके से इंश्योर नहीं करवाया लास्ट बात है पर्सनैलिटी ऑफ़ द रिटेलर तो रिटेलर को यह भी इंश्योर करना है कि कस्टमर कि कैसे उसको प्रसीव करता है स्टोर की पर्सनालिटी को इट इज़ अ स्टोर विच इज़ अ वर्थ गोइंग विद द फैमिली इट इज़ अ स्टोर वर्थ गोइंग विद किड्स इट इज़ अ स्टोर वर्थ गोइंग विद फ्रेंड्स तो क्या पर्सनालिटी है वो एक फैमिली ओरियंटेड स्टोर है वह एक ओपन स्टोर है वो एक क्लीन स्टोर है वो एक उसका एटमोस्फियर बहुत अच्छा है उसका इंटीरियर बहुत अच्छा है तो वट इज़ दी पर्सनैलिटी ऑफ द रिटेल स्टोर ये भी आपको विद इन फर्स्ट थ्री सेकेंड्स में आइडेंटिफाई होनी चाहिए तो ये पांच बातें रूल ऑफ थ्री सेकेंड्स के अंदर है अगर एक रिटेलर आप किसी रिटेलर को देखते हैं और आपको ये पांचों बातों का आंसर मिल जाता है उसको देखते ही इसका मतलब ये है कि रिटेलर इज एबल टू क्लियर इज पोजिशन इज इमेज इन द माइंड ऑफ द कस्टमर और अगर ऐसा नहीं है इसका मतलब ये है कि रिटेलर को अभी वर्कआउट करना पड़ेगा इन सारी लाइंस के ऊपर ताकि कस्टमर को वो अपने इमेज को प्रॉपर तरीके से सेल कर सके अब हम उन एलिमेंट्स की तरफ आते हैं जो के ओवरऑल रिटेल इमेज को आ, को डिजाइन करते हैं जो के जिनके ऊपर पूरा रिटेल इमेज जो है वो डिपेंड करता है तो कौन-कौन से एलिमेंट्स हैं ये वो दस एलिमेंट्स हैं जो आपके सामने हैं सबसे पहले अगर बात करते हैं तो वो डिस्कशन है टारगेट मार्केट की तो एक रिटेलर ने क्या करना है एक रिटेलर ने यह देखना है सबसे पहले कि मैं किस टारगेट मार्केट को टारगेट करने जा रहा हूँ मेरा टारगेट कस्टमर कौन है ये मिडिल क्लास है ये अपर क्लास है ये लोअर क्लास है ये स्टेटस कॉन्शियस क्लास है ये किस तरह की क्लास है कस्टमर सोशल सेगमेंट है जिसको मैं टारगेट करने जा रहा हूँ क्योंकि अकॉर्डिंगली मेरा रिटेल इमेज वो प्रसीव उसी तरीके से मुझे अपने आप को डेवलप करना है अपने इमेज को और अल्टीमेटली मेरा कस्टमर के साथ वो अलाइंड हो जाएगा रिटेल इमेज दूसरे नंबर पे जो एलिमेंट है दैट इज़ अबाउट दी फर्म्स पोजीशनिंग तो रिटेलर को ये भी देखना है कि मेरी क्या एज ए फर्म एज एन इदारा एज एन ऑर्गेनाइजेशन क्या पोजिशनिंग होगी मेरे इमेज को स्टेबल करने के लिए मेरे इमेज को बिल्ड करने के लिए मेरे इमेज को कस्टमर के जहन में बेहतर तरीके से पोजीशन करने के लिए तीसरी बात इज़ अबाउट दी कस्टमर सर्विस आप जो कस्टमर सर्विसेज ऑफर करने जा रहे हैं वो एक्चुअली आपके इमेज के अंदर रिफ्लेक्ट होनी चाहिए और कस्टमर को उनको एक्सेप्ट करना चाहिए एज ए कस्टमर सर्विसेज तो आप जो भी ऑफर करेंगे दैट विल रिफ्लेक्ट इन योर इमेज अल्टीमेटली क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप ये कहते हैं कि उसे एवर विल बाय फ्रॉम दिस स्टोर विल गेट डिलीवरी फ्री इसका मतलब यह है कि आपके पास कस्टमर का इमेज यह गया है कि आपके पास जो डिलीवरी की सर्विस है वो फ्री है तो कस्टमर उस सर्विस को आपके इमेज के साथ हमेशा लिंक करेगा कि अगर मैं प्रोडक्ट एक स्टोर से बाय करता हूँ तो वहां से मुझे हमेशा डिलीवरी फ्री मिलेगी तो ये वो सर्विस है जो कि आपके इमेज के साथ टैग हो जाती है और अल्टीमेटली आपको हेल्प करती है इमेज को बिल्ड करने के लिए

ऑन इन गुलबर्ग नॉट ऑन एम एम आलम रोड तो स्टोर की लोकेशन शुड बी इन लाइन विद द टारगेट कस्टमर जो कि आप सोच रहे हैं जो कि आप प्लान कर रहे हैं और अकॉर्डिंगली वो आपके रिटेल इमेज को डिपिक्ट uh, करेगा रिफ्लेक्ट करेगा फिर मर्चेंडाइज के एट्रीब्यूट्स क्या स्टॉक आप देने जा रहे हैं क्या मर्चेंडाइज आप देने जा रहे हैं ऑफ़र कर रहे हैं अगेन दिस विल क्रिएट दिस विल हेल्प इन क्रिएटिंग द इमेज ऑफ द स्टोर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अमेजोन की बात करता हूँ तो दे ऑफर एट्स ऑलमोस्ट एवरी थिंग एंड एनी थिंग फोर मिलियन प्रोडक्ट्स फॉर एग्जाम्पल ऑन देबसाइट तो उनका एट्रीब्यूट ये है किल नॉट फाइन प्रोडक्ट एनी वेयर यू गो टू लेट अमेजोन एंड यू बाईट गेट दैट प्रोडक्ट देयर इसी तरीके से प्राइसिंग इज वन ऑफ द की कॉन्ट्रीब्यूटर की एलिमेंट इन ऑफ द रिटेल इमेज कस्टमर ये डिफाइन करता है ये सोच लेता है कि यहाँ से ये स्टोर is the best price store, Ye store is the high end store on the basis of price, on the basis of price sensitivity, तो pricing बहुत की important role अदा करता है अपनी इस सारे parameter के अंदर सारे इस element को समझने के लिए। फिर हमारे पास जो seventh element है, that is about the promotional tool, so promotional tools कौन-कौन से आप use कर रहे हैं? आप uh, public relation use कर रहे हैं, personal selling use कर रहे हैं, sales promotion use कर रहे हैं, advertising use कर रहे हैं, billboard use कर रहे हैं, सोशल uh, मीडिया so यूज़ करें सो क्या प्रोमोशनल टूल्स आप यूज कर रहे हैं अपने टारगेट कस्टमर को अंडरस्टैंड करने के लिए अपने टारगेट कस्टमर को अपना इमेज बढ़ाने के लिए बेहतर करने के लिए ये आपके इमेज की का की एलिमेंट कंसिडर किया जाता है फिर व्हाट कम्यूनिटी सर्विसज यू आर ऑफरिंग फॉर एग्जाम्पल के एफ़ सी के अंदर अगर आप देखेंगे तो के एफ सी जो है वो जो डेफ बच्चे हैं उनको दे uh, गिव जॉब्स तो अगेन दिस इज़ वन ऑफ द कम्युनिटी सर्विस जो कि आप ऑफ़र कर रहे हैं और रिटेलर को इस तरह की कम्युनिटी सर्विसेज ऑफ़र करनी चाहिए ताकि उसका रिटेल इमेज बेहतर हो बढ़े डेवलप हो इन द माइंड्स ऑफ द कस्टमर इसी तरीके से जो नाइन्थ एलिमेंट है दैट इज़ द शॉपिंग एक्सपीरियंस जितना बेहतर शॉपिंग एक्सपीरियंस यू कैन ऑफर टू यर कस्टमर अल्टीमेटली योर रिटेल इमेज योर पोजिशनिंग विल बी बेटर इन द माइंड ऑफ द कस्टमर कस्टमर किसी स्टोर में प्रोडक्ट या सर्विस बाय करने तो जा रहा होता है लेकिन अल्टीमेटली वो एक्सपीरियंस जो वहाँ से ले रहा है वो एक्सपीरियंस को वो कंसिडर कर रहा होता है एज हिज चॉइस ऑफ सेलेक्टिंग सिलेक्टिंग स्टोर लास्ट लास्ट्रीब्यूट लास्ट एलिमेंट ऑफेल इमेज इज एट्रीब्यूट फिजिकल फैसिलिटीज सो वट फिजिकल फैसिलिटी इज गोइंग टू ऑफर इज ऑफरिंग इन टू द स्टोर जो के हेल्प कर रहा है उसके इमेज को बेहतर करने के लिए क्या एटमॉस्फेयर क्या इंटीरियर क्या चीज़ें वो ऑफ़र कर रहा है कस्टमर को जिससे उसका रिटेल इमेज बेहतर हो सके तो ये वो दस एलिमेंट्स हैं जो के रिटेलर को हेल्प करते हैं उसके इमेज को डेवलप करने में उसके इमेज को बिल्ड करने में उसके इमेज को सस्टेन करने में मेंटेन करने में और आखिर में ग्रो करने के लिए ताकि बेहतर करने के लिए ताकि रिटेलर जो है वो इमेज को बेहतर जितना कर सकेगा अल्टीमेटली उतना ही बेहतर वो बिजनेस जनरेशन की तरफ जा सकेगा